दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में पहुंचे कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह से हमारी सहयोगी फरहा खान ने खास बातचीत की है। मेरे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। जिस तरीके से ये रैली हो रही है, मुद्दों को आपने सामने रखा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पूरा देश उद्वेलित है, पूरा देश त्रस्त है, परेशान है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे सैनिक हो, चाहे सिपाही हो, कोई नहीं बचा है जिस पे मोदी जी की मार ना हो। मोदी जी ने सबको तकलीफें पहुंचा दिए और इस बात का एहसास ही देश के लोगों को हो भी चुका है। एक एक दिन बोझ है मोदी जी, अब उनसे इस देश को बचाना है। जब तक सत्ता में तब तक बचाना है, जिस दिन जनादेश की बारी आएगी उन्हें सत्ता से हटाना है। यहाँ तो आपने बता दिया कि मोदी जी से देश को बचाना है, लेकिन राहुल जी को वापस लाने के भी स्वर सुनाई देने की बात हो रही है। जी है ही हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं। सोनिया जी, प्रियंका जी के छत्र छाया में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी ही हैं। वही देश के भविष्य हैं, वही देश के लोगों की उम्मीद हैं, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, बच्चियों की, सबकी उम्मीद राहुल गांधी हैं। वो एक बिंदास, बेलौ, ईमानदार, कर्मठी, हर फील्ड में विजनरी सोच रखने वाला वो व्यक्तित्व अकेला है हिंदुस्तान में, वो है राहुल गांधी। और उसी व्यक्ति से इस देश को फिर ऊंचाइयां मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।